आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 8.3 or 4 जो भी थी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आई थिंक 8.4 है अपनी परसेंटेज। क्वेश्चन देखा हमने नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन कह रहा है हमें कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट मान दिया अपने को 25%, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो परसेंट का साइन रिमूव करना होता है हमें, है ना, और परसेंट का साइन रिमूव करते हैं हम लोग, लगाते हैं अपॉन में 100, तो आंसर में क्या आएगा 25/100। कर दिया नॉर्मल में कन्वर्ट, ये कह रहा है इसको सिंपलेस्ट में लेके भी जाना है, तो देखो 25 की टेबल में 1 टाइम, 25 की टेबल में 4 टाइम, इट गिव्स 1/4, है सिंपल सही है, है ना। चलो एक एग्जांपल और देखें इसका, मान लिया मिला आपको 150%, तो वही 150/100, 10 से 10, 5 की टेबल में 3 टाइम, 5 की टेबल में 2 टाइम, इट मींस 3/2 लिखे इसको, चाहे हम चाहे 1/1/2 लिखे, बात दोनों ही सही है, ठीक है, बात दोनों ही कंडीशन में क्या है अपनी, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया अपने कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 बनता है अपना, आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 7। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, कि एक सिटी में 30% फीमेल है, तो फीमेल कितनी मिली हमें 30%। क्वेश्चन नंबर 7, फीमेल्स मिली 30%, मेल 40%, रिमेनिंग आर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस सिंपल सा लॉजिक है, देखो परसेंटेज अपने किस पे निकाल देते हैं हमेशा 100% पर, है ना, तो 100 में से इन दोनों को ऐड करके क्या कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, तो 100 - 30 + 40 इट गिव्स 100 - 70 इट गिव्स 30%, यानी चिल्ड्रंस कितने हो गए हमारे पास में 30%, चिल्ड्रन कितने मिले हमें 30%, सिंपल सा लॉजिक था, है ना, कईयों ने तो होमवर्क में कर भी लिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसी के नीचे स्टार्ट कर देते हैं, दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना आप लोग फिर, ठीक है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, यानी ओवरऑल इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% आर वोटर्स वोटेड, तो वोटर्स वोटेड इज इक्वल्स टू 60%, फिर लिखा हमने वोटर्स नॉट यूज्ड वोट्स, ओवरऑल 100 होता है, 100 में से 60 माइनस कर दिया तो हो गया अपने पास 40%, यानी 40% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट का यूज नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 40%। कैन यू फाइंड नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअल डिड नॉट वोट, कि क्या आप ये पता कर सकते हो कि कुल मिला के कितने लोगों ने वोट का यूज नहीं किया, ठीक है, तो 40% ऑफ 15,000 जो था वो किसके इक्वल था, नॉट यूज्ड देयर वोट्स, या जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया,
वो क्या थे, ओवरऑल 15,000 में से 40% कैंडिडेट यानी वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट का यूज नहीं किया। तो चलो तो आंसर क्या देगा, 40% का साइन रिमूव किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 20 से 20 कट हो गए, 15 4 60, यानी 6,000 वोटर्स नॉट यूज्ड देयर वोट्स, यानी 6,000 के लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट का यूज नहीं किया। ठीक है, चले इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, ठीक है, उसके बाद कहा गया इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, कि मीता ने जो सेविंग की है 10% की, वो किसके रुपए इक्वल है, 400 के इक्वल। उसकी सैलरी कितनी है, तो लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 8, लेट मीताज सैलरी बी रुपीज एक्स, मान लिया मीता ने एक्स रुपए की सैलरी है उसकी, सेव कितना करती है 400 रुपीज, परसेंटेज सेविंग वो है 10%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कल क्वेश्चन किया था लास्ट अपना 5 नंबर क्वेश्चन, उसमें हमें अननोन नंबर फाइंड आउट करना था, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 10% ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है, रुपीज 400 के, यही तो बात हो गई। 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज 400, 10 का मतलब 10% का साइन रिमूव किया, अपॉन 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई एक्स का एक्स, ये आ गया आपका 400, वन टाइम ये गया आपका 40 टाइम, तो क्या होगा x is equals to 40 multiply by 100, it gives x is equals to rupees 4000, यानी मीता की सैलरी कितनी थी 4000 रुपीज, है ना, मीता की सैलरी कितनी लेट की हमने x रुपीज, सेविंग कितनी की उसने 400 रुपीज की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज कितना था उसका 10%, तो हमने क्या किया 10% ऑफ हिज सैलरी, हिज सैलरी मींस एक्स रुपीज, ठीक है, वो किसके इक्वल बना अपना 400 के, तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज 400, देयरफॉर 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू रुपीज 4000, इट मींस मीता की सैलरी कितनी थी 4000 रुपीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन अ सीजन, एक सीजन में कितने मैच खेलती है वो 20 मैच, तो लिखा क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम इज इक्वल्स टू 20 मैचेस, यानी एक टीम ने कुल मिला के कितने मैच खेले 20 मैच खेले। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया आपने से इफ 1% ऑफ देम 25% वन मैचेस, यानी मैच कितने जीत लिए उसने 25%, किसका 25%, 20 मैचेस का। ठीक है, हाउ मैनी मैचेस डिड दे वॉन, तो उन्होंने कितने मैच जीते, बस तो नंबर ऑफ वॉन मैचेज, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 25% ऑफ 20, यही होगा क्योंकि खेले कितने थे 20 मैच खेले थे, तो 20% 5% किसका 20 का, सिंपल सा लॉजिक था, तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 20,
ये गया वन टाइम, ये गया आपका फोर टाइम, फोर वन जा फोर, फोर फाइव जा 20, इट मीन्स उसने कितने जीत लिए थे मैच, जो फाइव मैचे जीते थे। तो अगर आपको ये पूछे नंबर ऑफ लॉसेस में मैच, कितने मैच वो हार गए, तो 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 15, और 15 क्या होगा उसका, वो 75%, है ना, क्लियर है। यानी इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के यूं दे दिया जाए कि इफ वन मैच इज इक्वल्स टू 25% देन फाइंड द लॉस मैचेस, तो उन्होंने कुल मिला के कितने मैच को लॉस कर दिया वो हमें पता करना हो। तो पहले तो नंबर ऑफ लॉस मैचेस निकालेंगे, तो 25% माइनस कर देंगे 100 में से, तो हमें मिल जाएगा 75%, है ना, आंसर बिल्कुल बदल जाएगा अपना। अगर मैं लॉस की बात करूंगा तो लॉस के लिए क्या लिखूंगा मैं, कि 100 माइनस 25 इट गिव्स 75%, तो 75% ऑफ 20 हो जाएगा क्या, 75% ऑफ 20, तो 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 20, वन टाइम ये गया फाइव टाइम, ये गया वन टाइम, ये गया आपके 15 टाइम, इट मींस आंसर आ जाएगा आपका 15 मैचेज, कुल मिला के वो 15 मैच क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, दोनों मिला दो 20 मैचेज बन जाते हैं अपने, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद देखेंगे उसको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ये जो अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस, ये सारे आपके गूगल फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है ना, तो बट मेन सब्जेक्टिव पार्ट का भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपने पास वो उसका बन सकता है। ये कह रहा है इन एन हाफ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट सिक्योर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। एक क्वार्टरली एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स गेन किए और 12 मार्क्स से फेल हो गया, यानी उसने लिए कितने थे 30% मार्क्स, फेल कितने से हुआ 10 मार्क्स से, 12 मार्क्स से, अगर उसको 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते तो लड़का पास हो जाता। इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट सिक्योर्ड 40% मार्क्स, एक दूसरा स्टूडेंट ऐसा था जो 40% मार्क्स लेके आया एंड गॉट 28% एंड गॉट 28% बेयर मिनिमम मार्क्स टू पास, और 28 मार्क्स ज्यादा लेकर पास हो गया, यानी पहले वाला फेल हुआ दूसरे वाला पास हुआ, ठीक है। ये पूछा गया कि द मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और पासिंग परसेंटेज कितना था उसका, ठीक है, आप चेक करो क्वेश्चन को एक बार के लिए, तब तक अपने बात चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन कहता है अपने को कि पासिंग मार्क्स तो पता ही नहीं है, है ना, ना ही हमें उसके एक्चुअल मार्क्स पता है, तो लिखते हैं लेट द मैक्सिमम मार्क्स, यानी पेपर कितने मार्क्स का हुआ था वो था एक्स मार्क्स, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में क्या था, लड़का 30% लाता है और 12 मार्क्स से फेल हो जाता है, है ना, यानी 30% ऑफ एक्स पहले फाइंड करेंगे, फिर उसमें क्या कर देंगे हम लोग 12 ऐड कर देंगे, यानी फर्स्ट केस की बात करेगा, तो 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हो गया अपने पास 3x अपॉन 10। ये मार्क्स तो वो लड़का लेके आता है, उस कंडीशन में उसके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, तो पासिंग मार्क्स कितने नंबर से फेल हुआ था वो 12 मार्क्स से, तो उसमें मैंने 12 ऐड कर दिया, ठीक है। कंडीशन क्या थी, लड़का 30% मार्क्स लेके आता है और 12 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है,
तो 30% लाया, किसका लाया, x का, कितना मिला 3x upon 10। फेल कितने हुआ था 12 मार्क्स से, यानी पासिंग मार्क्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 30% में 12 ऐड करना पड़ेगा। मैंने कर दिया, 30% कितना था 3x upon 10, उसमें 12 मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये तो थी मेरा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कहता है बेटा कि सेकंड स्टूडेंट था अपने पास, वो लेके आया 40% मार्क्स, तो 40% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 40 upon 100, जीरो से जीरो कट कर दिया, ये हो गया 4x upon 10, ये इतना लेके आया। देखो हम लोग इसको और आगे सिंपलेस्ट कर सकते थे, बट ऊपर वाले में अपॉन 10 था ना, तो मैंने इसको भी 10 में रखा एक बार के लिए, इजी रहेगा अपने लिए आगे, ठीक है ना। ये वो लेके आया, ये क्या कहता है, जब वो 40% लेके आता है तो उसके जो पासिंग मार्क्स है उससे वो 28 नंबर मोर होता है ना। यानी इस कंडीशन में इसके पासिंग मार्क्स क्या होंगे बेटा, तो 4x upon 10 minus 28, क्यों हुए, क्योंकि फर्स्ट केस में उसने क्या कहा था कि वो 30% लाता है, 12 नंबर कम रह गए उसके। ये कह रहा है 40% लाया है और 28 मार्क्स ज्यादा है, तो ज्यादा वालों को हटा दो तो पता चल जाएगा हमें कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। यानी एक लड़का अगर 36 नंबर लाके पास हो रहा है तो वो 30 नंबर लेके आए तो कितने नंबर कम रह गए उसके, 6 मार्क्स। अगर वही लड़का अगर 42 मार्क्स ले आता है तो उसके 6 मार्क्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। यानी पासिंग मार्क्स क्या थे अपने पास, 36 थे, तो 36 से कम था तो माइनस कर दिया मैंने, उसमें 30 में ऐड कर दिया प्लस, सॉरी, और ज्यादा था तो मैंने उसको माइनस करके पासिंग मार्क्स के इक्वल बना दिया। अब देखो फर्स्ट केस भी मेरा किसका है, पासिंग मार्क्स का, सेकंड केस भी किसका है मेरा, पासिंग मार्क्स का। फर्स्ट केस भी पासिंग मार्क्स है और सेकंड केस भी किसका है, पासिंग मार्क्स है। देन फ्रॉम इक्वेशन वन और टू इक्वेशन कह दें इसको, चाहे वन और टू केस कह दें, पासिंग मार्क्स तो इक्वली होंगे है ना, तो इसका मतलब 3x upon 10 plus 12 is equals to 4x upon 10 minus 28। मैंने आपको पहुंचा दिया इक्वेशन की फॉर्मेशन में, जहां चैप्टर हमने इक्वेशन का किया था वहां हमने क्या कर रखा था, वेरिएबल्स को एक साइड, नॉन वेरिएबल्स को एक साइड कर दें, चले करते हैं इसको। तो ये हुआ 3x upon 10 minus 4x upon 10 is equals to minus का 28 minus का 12, इनका लिया एलसीएम, सबट्रैक्ट हुए बचे -1x, क्योंकि देखो सेम डिनोमिनेटर है, डायरेक्ट लेस हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लेस कर दिया। इधर बचा मेरे पास -40, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते x is equals to 400, यानी मेरे ओवरऑल मार्क्स कितने थे पेपर, 400 मार्क्स का था पेपर, कितने का था 400 मार्क्स का पेपर बना था, पेपर कितने का बना 400 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना यही था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 400। अब पूछ रहा है पासिंग मार्क्स, तो ऊपर वाला कॉलम इरेज करता हूं ताकि आपके पास पूरा क्वेश्चन पड़ा रहेगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स, तो देखो पासिंग मार्क्स के लिए हमारे पास ओवरऑल टू कंडीशन थी, फर्स्ट केस भी मेरा पासिंग मार्क्स का था और सेकंड केस भी मेरा पासिंग मार्क्स का था, किसी भी इक्वेशन को यूज करना आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया, यानी मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 400, यहां लिखते हैं ऊपर इसके पासिंग मार्क्स, किसी भी कंडीशन को पकड़े, देखो पासिंग मार्क्स फर्स्ट वाली मैंने तो क्या था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x किसके इक्वल है अपना 400 के, अपॉन 10 प्लस 12, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, देखो 4 3 12 यानी 120 प्लस 12 it gives 132 marks,
यानी पासिंग मार्क्स कितने बने, 132 बने। अगर आप सेकंड इक्वेशन का यूज करते तो भी उतना ही आंसर आता, क्योंकि देखो 4 4 16 यानी यहां बनता अपने पास 160, उसमें से 28 माइनस कर देते हम लोग, 10 में से 8 लेस किया 2, 5 में से 2 लेस किया 3, 132 ये बना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,